करते कैसे हैं वो सब कोई जान रहा है, लेकिन इसमें और क्या करना है, कैसे करना है, अच्छे ढंग से कैसे करना है, गुणवत्ता कैसे बढ़ाई जाएगी, इस पर ज्यादा फोकस है इन लोगों का। और जो चीज सिखाया जा रहा है इसको प्रैक्टिकल रूप में करके दिखाना है, इससे सुन के घर नहीं चले जाना है, करके दिखाइएगा। इसमें से चार पांच आदमी को हम कहें कि सेलेक्ट कीजिए, जो अगले 15-20 आदमी को या 25 आदमी का ट्रेनिंग जो हो उसमें 5 आदमी इसी में से इंस्ट्रक्टर रहेगा जो बताएगा उन लोगों को कि कैसे ट्रेनिंग लेना है, समझ गए ना, कैसे काम करना है। ये जरूरी है, इसलिए बहुत ध्यान से बहुत तरीके से सीखिए इसको जो जो बता रहे हैं, और उसी तरह से काम कीजिए सब जगह। सफाई इतना अच्छा हो कि लोग प्रशंसा करें आपका, और हम प्रशंसा हम तो करेंगे ही, लोग द्वारा प्रशंसा जब प्राप्त कीजिएगा तो उससे अच्छी बात कुछ नहीं होगी। अच्छा काम हो रहा है ना तो उसका सर्टिफिकेट मिलता है, उसको कहते हैं लैब सर्टिफिकेशन। तो उसमें सफाई कर्मियों लोगों का ट्रेनिंग भी होना है, और साथ ही साथ ये भी उनको एक ट्रेनर की और मतलब ट्रेनर भी बनाना है, कि जैसे सर ने कहा ना कि आप लोग में से कोई 5 आदमी को सिलेक्ट किया जाएगा कि नेक्स्ट ट्रेनिंग वो अपने और साथियों लोगों को ट्रेनिंग दे। तो सफाई कर्मी लोगों को क्या क्या जानना चाहिए, ये पहला हम लोगों का उद्देश्य रहेगा कि क्या क्या जानना चाहिए उनके इन्फेक्शन कंट्रोल में उनको बचाने के लिए, ठीक है। और हम लोग साथ में अगर कुछ इन्फेक्शन हो जाता है या कुछ छूट जाता है तो उसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेना है इसकी भी जानकारी दी जाएगी। हमारे साथ नर्स हैं, सिस्टर हैं, वो जो आपको डेमोंस्ट्रेट करके दिखाएंगे, ठीक है, डेमोंस्ट्रेट करके दिखाएंगे कि कैसे हाथ धोना है, कैसे सफाई करना है, जिससे कम समय में हम अच्छी तरीके से सफाई कर लें। आप लोग एक चीज बताइए कि सुपरवाइजर ही बताएंगे, आप लोगों का टाइमिंग क्या रहता है सफाई करने का? सात से नौ बजे तक सफाई करते। लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।